ठीक है, तो आज हम लोग बताएंगे फाइनली भाई KTM भाई लेके आ रहा है भाई 2023 के अंदर भाई न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल के अंदर भाई क्या कुछ फीचर्स ऐड हो रहा है वो भी हम लोग बताएंगे, साथ में प्राइस क्या होगा और इसका भाई माइलेज क्या देगा, टॉप स्पीड क्या इंक्रीज होगा क्या नहीं होगा, क्या डाउन होगा वो भी हम लोग बताएंगे। और गाइस सबसे बढ़िया जो बात है कब ये बाइक लॉन्च होगा वो भी हम लोग बताएंगे। तो गाइस वीडियो के अंदर अभी तक गाइस लाइक नहीं किया तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो, एक भाई लाइक चाहिए भाई, एक लाइक चाहिए भाई वीडियो के अंदर, ठीक है जो भी हो जाए आप लोग लाइक करो भाई सब्सक्राइब करो। तो गाइस चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अगर आपका दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर नहीं किया तो गाइस प्लीज प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर दो एक बार। तो गाइस सबसे पहले गाइस इंजन कैपेसिटी के अंदर बात करेंगे बाइक के अंदर कि आप लोगों को इंजन कैपेसिटी देखने को 373 सीसी आप लोगों को लिक्विड कूल 4S स्ट्रोक 412 का आप लोगों को इंजन देखने को मिले ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे कुछ पावर यहां पे जनरेट करेगा। और गाइस साथ में बाइक के अंदर बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ऐड हो रहा है तो वो भी हम लोग बताएंगे क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर भाई ऐड हो रहा है। और ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिलेंडर के अंदर, बट आप लोगों को चलाने के बाद आप लोग ऐसे कोई फील नहीं होगा जे भाई एक सिंगल सिलेंडर का बाइक है, क्योंकि आप लोग जानते हो भाई KTM का बाइक कितना पावरफुल एंड कितना इनिशियल पिक उसका होता है वो तो आप सब लोग भाई जानते ही हो। और साथ में इसके अंदर आप लोगों को स्लीपर क्लास देखने को मिलेगा, 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा और आप लोग यहाँ पे कोई शिफ्टर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कोई आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार 390 सीसी आप लोगों को यहाँ पे देना चाहिए ट्रैक्शन कंट्रोल। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, अगर आप लोग भाई प्रो राइडर है तो आप लोगों को ये सब कोई जरूरत नहीं है, आप लोग भाई नॉर्मली चला सकते हो। और ये भाई BHP का बात करेंगे 45.5 BHP यहाँ पे देखने को मिला, मतलब पावर यहाँ पे थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा अपडेट हो जा रहा है, क्योंकि पहले आप लोगों को 43 क्या 44 मिलता है, अभी तुम लोग को 45.5 देखने को मिलेगा, मतलब BHP थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया BHP का वजह से भाई आप लोग को पावर भी बहुत अच्छा को देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग देख लेंगे बाद में जो टॉप स्पीड के अंदर क्या कुछ फर्क पड़ेगा वो भी हम लोग देख लेंगे। और ये बाइक के अंदर आप लोगों को सबसे बड़ी जो बात है ड्यूल डिस्क देखने को मिला, सामने का 320mm डिस्क देखने को मिला, ताकि आप लोग बहुत बड़ा सुपर बाइक जैसे आप लोग को डिस्क देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग को 320mm आप लोग को डिस्क देखने को मिलेगा, मतलब भाई ब्रेकिंग कंट्रोल को लेकर यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो आप लोग बताओ ये जो ब्रेकिंग कंट्रोल भाई आप लोग बाइक कैसा लगा, लुक कैसा लगा जल्दी से भाई कमेंट करके बता देना। और आप लोग को यहाँ पे हैलोजन हेडलाइट का कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ LED, साइड इंडिकेटर आप लोग LED देखने को मिलेगा, सामने का हेडलाइट आप लोग LED देखने को मिलेगा, टेल लाइट भी आप लोग को LED देखने को मिलेगा, मतलब हर चीज यहाँ पे LED देखने को मिलेगा। और इसका मीटर कंसोल आप लोग को डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, मतलब मोबाइल स्क्रीन जैसा है ना ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब मोबाइल स्क्रीन जैसा ही है ऐसा ही सेम टू सेम, मतलब यार बहुत बढ़िया कुछ यार अपडेट कर दिया। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोग को 14.5 लीटर आप लोग को फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग लॉन्ग राइड भी जा सकते हो, मतलब हाईवे के अंदर जाओगे तो आप लोग को फ्यूल को लेकर यहाँ पे कोई इशू नहीं, क्योंकि इसके अंदर 14.5 लीटर आप लोग को फ्यूल टैंक कैपेसिटी पहले से ही भाई तो मिल रहा है ना। और गाइस सबसे बड़ी जो बात है इसका मोनोशॉक और पीछे आप लोग को देखने को मिला, मोनोशॉक देखने को मिला, सामने आप लोग को USD फोर्स देखने को मिला, ताकि आप लोग कॉर्नरिंग ब्रेकिंग एंड आप लोग व्हील मारोगे तभी आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बैलेंस कंट्रोल आप लोग को सबसे बढ़िया एक नंबर हो जाएगा बैलेंस कंट्रोल को लेकर, ठीक है। तो आप लोग बताओ इसका लुक कैसे लगा, मतलब लुक कैसे लगा जल्दी से भाई कमेंट करके बता देना। और भाई सबसे बात जो टायर साइज का बात करेंगे, टायर साइज भी आप लोगों को बहुत बढ़िया देखने को मिला, सामने आप लोगों को 120x70x17 देखने को मिलेगा, पीछे आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड यहाँ से 150x60x17 देखने को मिलेगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नरिंग को लेके यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि टायर साइज आप लोगों को अच्छा ही मिल रहा है। अगर इससे बढ़िया देगा तो अगर इसे कोई बढ़िया टायर दे देगा तो बाइक का वेट हल्का है एंड आप लोग जब व्हील मारोगे जब लोग कॉर्नरिंग करोगे तब आप लोगों को बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। कंपनी ने फिटिंग जितना सारा अच्छा टायर दे दिया ना, ये टायर आप लोगों को बहुत अच्छे से ही काम करेगा, मतलब 150x70x70 ये तो भाई बहुत बढ़िया अच्छा वाला टायर है। और ये बाइक के अंदर टॉप स्पीड क्या देखने को मिला, टॉप स्पीड आप लोगों को देखने को मिला अराउंड गाइस 170 किमी आप लोगों को टॉप स्पीड देखने को मिला, अगर राइडर अच्छे हो जाएगा तो 185 एंड 180 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसे मतलब वीडियो देखा जो उसके अंदर 180 तक भी यार टच करा देता है, ठीक है। अगर राइडर के ऊपर डिपेंड करेगा, राइडर का वेट अगर हल्का है तो भाई बाइक ज्यादा भागेगा, राइडर का वेट अगर बहुत ज्यादा है थोड़ा सा यार पावर के अंदर कुछ फर्क पड़ता है। तो गाइस हम भी आप लोग बात करेंगे इसका प्राइस क्या, प्राइस आप लोग अराउंड आप लोग को देखने को 3.5 लाख एक्सरूम प्राइस है, तो ये बाइक के अंदर प्राइस 3.5 लाख एक्सरूम है, तो ये भाई अंडर प्राइस अराउंड तुम लोगों को जा सकते हैं, अंडर 4 लाख के अंदर आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो आप लोग बताओ इसका लुक एंड सब कुछ भाई कैसे लगा आप लोग जल्दी से भाई कमेंट करके बता देना। तो अभी हम लोग बताएंगे लॉन्च डेट भाई, ये लॉन्च कब होगा वो हम लोग बताएंगे। तो लॉन्च आप लोग बहुत जल्दी देखने को मिलेगा 2023 के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब जैसे भाई KTM के अंदर लॉन्च डेट कोई नहीं है, क्योंकि जैसे पुराना वाला मॉडल BS4 BS6 जो पुराना 2022 मॉडल जो मतलब कमिंग सून आ रहा है ना KTM शोरूम के अंदर ऑटोमेटिक बंद आ गया, तो मतलब ये भी मॉडल मतलब जैसे भाई MotoGP जो ऑप्शन है ना वो ऑटोमेटिक आ गया, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप लोगों को ये जो वीडियो कैसे लगा और बाइक का मॉडल कैसे लगा जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके बता देना। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल को बनना हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो, जाओ भाई सब्सक्राइब करें भाई, अपना फेवरेट बाइक का नाम यहाँ पे भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो आज का वीडियो इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।